Everybody has problem with work. But do you guys have any idea how much an Indian chef works? Let's check it out today. Hi, there are thousands of Indian restaurants in Japan, and 99% of the Indian chefs are from a small district in Uttarakhand called Tihri. I would like you guys to meet Ajay. Hi, I'm Ajay. I am 39. Ajay has been working as a chef from past 20 years. Ajay works 12 to 14 hours every day. Alright guys, so today I'm gonna have a talk with Mr. Megidi. So I'm gonna be asking a lot of questions, probably in Hindi today. So ये हैं नेगी जी, हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, हेड शेफ हैं इस रेस्टोरेंट में. तो इनसे मैंने कई बार सुना है, कई लोगों से सुना है इंडियन जो शेफ होते हैं उनकी लाइफ के बारे में. तो आज टाइम मिला है कुछ सवाल पूछने का इनसे. तो जैसे लोग बोलते हैं कि एक शेफ की लाइफ जापान में मतलब इतनी अच्छी नहीं है, सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, और कई लोग कंप्लेन करते हैं कि छुट्टी नहीं मिलती है, मालिक ने एनओसी रख दी, और कई बार मालिक ने जो है कंप्लेन कर दी इमिग्रेशन में. तो ये चीज़ें क्या आप क्या सोचते हैं? सुना हमने भी है कि होता है जापान में ऐसा, कोई मालिक एनओसी नहीं देता है, कोई सैलरी नहीं देता है, ये हमने सुना है. मेरे को जापान में 14 साल हो गए नेगेटिव को यहाँ पे. थोड़ा पास कभी फेस नहीं की है. अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट में मेरे को अभी 7 साल हो गया. यहाँ पे हमारा हर चीज़ सब बढ़िया है, छुट्टी भी मिलती है, सैलरी टाइम से मिलती है, सब बढ़िया है. हमारे जो साचो हैं भी बहुत बढ़िया है. सजवान जी, हाँ इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, और हम लोगों का काफ़ी अच्छा मेल जोल है साथ में. तो शायद यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे जितना मैं उनको जानता हूँ. और एक्चुअली मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड आता हूँ. तो यहाँ पे कोई ना कोई रिलेटिव जरूर होता है. मतलब कई लोग होते हैं जो जॉब छोड़ के उनको नई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम बचा होता है, रहने की जगह नहीं होती है. फिर मैंने देखा है लगभग एक साल में 100 से ऊपर लोग लगभग यहाँ पे आते हैं, और सब सबकी हेल्प होती है मेरे हिसाब से. नहीं होती सबकी होती है. और जैसे कि अभी कोविड वाला सिचुएशन चल रहा था, तो ऑल ओवर जापान में जो फ्लाइट्स थी वो बंद थी, सिर्फ टोक्यो से जा रही थी इंडिया. तो जिसको भी इंडिया जाना था, उस सपोज जापान कहीं ओसाका, होकाइडो, ओकिनावा, जिसको भी इंडिया जाना था वो यहाँ से होके जाता था. तो अभी यहाँ पे आसपास जो है होटल्स लेना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और कोविड का भी खतरा था. तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वारंटीन होने के लिए आए,
और वो भी लगभग 50 से 60 लोग एक महीने के अंदर, और उस वजह से हमारी भी मुलाकात होगी कई लोगों से, तो काफ़ी हेल्पफुल हैं ये लोग यहाँ पे। और मैं भी चार पाँच साल हो गए यहाँ पे, पाँच साल हो गए मेरे को भी यहाँ पे। और बहुत मतलब मैं काम से जब भी आता हूँ तो यहाँ पे रुक के थोड़ा बहुत बात बात करके तो घर जैसा ही माहौल लगता है यहाँ पे। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मालिक ने पेमेंट नहीं दी? नहीं सर, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं, यहाँ पे नहीं, मतलब पहले पहले हुआ था एक बार, एक बिहार का मालिक था ये। हुआ है मतलब ये बात सच है हुआ है हमारे साथ। एक महीने किया डेढ़ महीने की सैलरी उसने नहीं दिया, और ये हुआ था। फिर नहीं दिया तो हम फिर बार बार कई बार बोला नहीं दिया उसको, तो बात वहीं पे खत्म हो गई, हम भूल गए उस चीज़ को। तो हुआ है हमारे से, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, एक बार बहुत पहले हुआ। किसी ने ऐसे बोला हुआ आपको कि नौकरी छोड़ के जाएगा? तो बहुत पुरानी बात है, उस बात को छोड़ो आप। हुआ है वो भी? हुआ हुआ है, नौकरी छोड़ के जाएगा तो हम तुम्हारा वीजा कैंसिल करवा सकते हैं, वो बहुत पहले की बात है, वो छोड़ो वो बात, वो क्या वो बोलनी। पर जब आप पूछ रहे तो हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। यहाँ पे जो कोई कह लोग ऐसे कि जो दूसरे को मतलब पावर अपनी पावर की वो दिखाती है, मतलब कि मेरी पावर है यहाँ पे, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो जो वर्किंग वीजा वाला वो थोड़ा दब जाते हैं। इतना तो है ये चीज़ें, मतलब उसमें आदमी झूठ नहीं बोल सकते, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, जैसे हम वर्किंग वीजा तो ऑप्शन नहीं है, तो आदमी को थोड़ा दब के रहना पड़ता है। अरे यार कि कभी मेरे वीजा कैंसिल ना करवा दे, इतना ये हुआ है। फिर मतलब होता है, मतलब यहाँ जापान में कई कई जगह होता है, सुना है हमने। एक दो बार, एक बार मेरे साथ मेरी सैलरी नहीं मिली थी, बिहार का मालिक था, या सुजोका केन मिली है ऐसे, सुजोका केन। तो देखो भाई लोग, जो ये सैलरी वाला सीन है, ये दिस इज एक्चुअली सैड। मतलब लोग यहाँ पे अपना पेट पालने आ रखे हैं, 50-60 हज़ार रुपए जो बेस पे होती है, और उसमें भी अगर आदमी उनको उनकी पेमेंट नहीं करे, उनकी सैलरी रोक दे एक महीने की, तो उनका घर कैसे चलेगा? ये बात समझनी चाहिए। वैसे कई बार क्या होता है कि कई लोग जो जिनको काम करना नहीं आता है वो मालिक को ही ब्लेम कर देते हैं, हर बार तो मालिक की गलती नहीं, मालिक की गलती स्टाफ भी है, कभी कभार स्टाफ को अरे यार ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मालिक ही गलत नहीं होता है। अगर आपको अगर मालिक को स्टाफ ही खराब करता है, मालिक को स्टाफ ही खराब करता है, सही मालिक, अच्छा मालिक होगा कोई जो स्टाफ भी खराब करता है, उसको ये हो गया वो हो गया ना हो गया ये चीजें। होटल लाइन में जो गलत है, जो अच्छा मालिक उसको स्टाफ ही खराब करते हैं, जो गंदे मालिक भी है जो बेकार मालिक को भी स्टाफ ही ठीक करता है। अगर अगर आपका काम अच्छा है तो मालिक को क्या प्रॉब्लम होगी आपसे? सही बात नेगी जी, इस वीडियो बनाने का पर्पस क्या है कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जापान में रेस्टोरेंट में काम करते हैं एज अ शेफ, तो उन लोगों को आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? प्रॉब्ली 500,000 लोग तो देख ही रहे हैं। मैसेज ये है कि सबको अच्छा काम करो, अच्छे रहो, बढ़िया काम करो, अच्छा ही मिलेगा आपको, मेहनत से काम करो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बात रही बात जहाँ पे मालिक उनको दे रहे, मालिक खराब स्टाफ मालिक को खराब कर, आप अच्छे रहो तो मालिक ऑटोमेटिक अच्छे हैं, प्रॉब्लम दोनों तरफ से होती है। तुम अच्छे रहोगे, कहीं पे क्या होता है मालिक ही ज़्यादा खराब होता है, तो वहाँ पे स्टाफ टिकता नहीं है, काम नहीं करता है जल्दी जल्दी, मतलब वहाँ से मतलब चेंज कर देता है। एक्चुअली अभी जो ये कोविड वाली सिचुएशन आई थी तो सेल नहीं हो रही है रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो उन लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू जो ऑनर हैं, और सेल नहीं हो रही है लेकिन फिर भी सबको पे कर रहे हैं उनकी जो मंथली जो सैलरी है। इस चीज में भी कई मालिक अच्छे हैं, कई लोग नहीं दे रहे हैं, कई लोगों पे नहीं हो पा रहा हो, ये सबको सब समझना चाहिए सिचुएशन, और बस एक दूसरे का सपोर्ट करते रहो, इसी में भलाई है सबकी। अगर आप अपना अपना देखोगे तो दूसरा भी अपना देखेगा, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। एक दूसरे का सपोर्ट करो, सब आगे बढ़ो, अच्छी बात है। Did anybody out there hear me?
with me.